Yes, good afternoon. So in the previous class, we have started the paper called Company Accounts and Auditing Practices. हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था 100 मार्क्स पेपर जैसा हमने डिस्कस किया था एंड दो पार्ट्स थे. एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास को. कंपनी अकाउंट 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स का ऑडिटिंग का पोर्शन है, राइट? क्योंकि आप सब ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा ये कोर्स रहेगा. न्यू कोर्स में मैंने बताया था कि ऑडिटिंग हटके अब कॉस्टिंग चला गया है. सो पार्ट ए जो हमने स्टार्ट करना था 70 मार्क्स, उसमें हमने कोर्स को डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका मैंने बताया 11 12th का कुछ बेस है जो हमें कवर करना है. ये इवन दो आपके कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन नहीं है, बट मैंने आपको बताया था पहले हम इसको शुरू करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत शुरू भी किया था. क्योंकि जब तक ये आपको नहीं पता होगा तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते, राइट? देन उसके बाद कुछ चैप्टर्स जो हमारे थे, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये सब कोर्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप सबको डिस्कस किया था. तो इन टोटैलिटी ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 70 मार्क्स के पोर्शन में. ऑडिटिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑडिटिंग के बारे में बात कर लेंगे. तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया था. फर्दर मैंने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी. मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस की बात करें, बीट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी, हमेशा देयर शुड बी, एक पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था, टर्म यूज होती है सोर्स ऑफ फंड. मैंने बताया था सोर्स वर्ड का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड. अरेंजमेंट का मतलब क्या, कि पैसा कहां से आएगा, राइट? तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड. वन इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है, इंटरनल सोर्स का मतलब है कि सर ऑनर का पैसा, यानी जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं हम खुद का कितना पैसा लगा रहे हैं उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड, एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइडर्स, यानी आउटसाइडर से हम बिजनेस में कितना पैसा ले रहे हैं वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड होता है. एंड अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, मैंने आपको इसमें एक चीज लिखी नहीं हुई है. सबसे पहला एक्सटर्नल सोर्स मैंने क्या बताया था, बैंक से लोन, वो कोई भी ले सकता है. बट सर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म में हमें आसानी से लोन नहीं मिलता, इसीलिए हम किस फॉर्म में बिजनेस करने की बात करते हैं, कंपनी फॉर्म में, क्योंकि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट? सो कंपनी को आसानी से लोन मिल जाता. तो एक तो लोन जो है हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो लोन्स है फ्रॉम द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड. उसके अलावा सर अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड क्या है, डिबेंचर्स का. डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म में ही आप क्या कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म में ही जब बिजनेस कर रहे हैं वही कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, राइट? अगर मैं इंटरनल सोर्स की बात करूं तो इंटरनल सोर्स की अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर जितना पैसा अपना लगाएगा, फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म जितना पैसा पार्टनर्स लगाएंगे, एंड कंपनी के केस में सर शेयर कैपिटल की बात होती है. तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर्स में आपको कनेक्ट कराने के लिए बताया था कि हमारे जो ये शेयर कैपिटल है, जब हम शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड. यानी हमारा अरेंजमेंट ऑफ मनी जब इंटरनल होना है उसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना है शेयर कैपिटल का, और जब हमें एक्सटर्नल सोर्स बात करनी है तो वो क्या बात करनी है, डिबेंचर्स की. सो डिबेंचर इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ. तो ये चैप्टर्स के लॉजिक यही है कि शेयर कैपिटल का मतलब है जब हमें मनी को अरेंज करना है थ्रू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, तो वहां पे हम शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करते हैं, जो आपने कंपनी लॉ वगैरह में पढ़ा होगा, पब्लिक इशू वगैरह आपने सबने पढ़ा होगा, राइट? तो हमने ये बात की. देन उसके बाद डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स में हमें एक्सटर्नल सोर्स की बात, लेकिन डिबेंचर्स हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, कंपनी फॉर्म में ही हो सकता है और किसी फॉर्म में ये नहीं हो सकता. देन उसके बाद मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एक लाइफ साइकिल होती है, कंपनी का एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जो हम डिस्कस करना शुरू हमने किया था. तो हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया था यहां पे लास्ट क्लास में, जो एक लाइफ साइकिल हमने डिस्कस की थी, अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस किया था. वी स्टार्ट फ्रॉम इनवॉइस, देन जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स. ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, आज भी इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर. फिर मैंने आपसे ये भी बताया था कि सोर्स, सोर्स का मतलब है अरेंजमेंट. अब पैसा जो आ गया इसको हमने क्या करना है, इसको हमें अरेंज जो पैसा था उसको यूटिलाइज करना है. तो रिसोर्स ऑफ फंड, सोर्स इज इक्वल टू रिसोर्स. जितना हमारे पास पैसा आया उसको हमने यूटिलाइज किया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए. हेंस सर रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं,
जितने भी असेट्स होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं और इन्हीं असेट्स से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, इन्हीं असेट्स से हमारा बिजनेस कंटिन्यू होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सर इस टाइम पे आप हमारे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो हमारा ये जितना भी बिल्डिंग है, आप चेयर्स पे बैठे हैं, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं सारे हमारे असेट्स हैं। तो ये असेट्स लेने के लिए पहले हमने क्या किया होगा, अरेंजमेंट की होगी पैसे की। तो पैसा कहां से आया, या तो हमने खुद लगाया या कहीं से लोन लिया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। तो सर सोर्स देन रिसोर्स। तो सोर्सेस को मैंने आपको बताया कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने कैपिटल प्लस लाइबिलिटी रट्टा मारा था वो सोर्स था, एंड उससे जो असेट्स आए थे वो आपका क्या था, रिसोर्स था। दैट इज व्हाट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल अबाउट। यहीं से हमारी बैलेंस शीट भी बनती है, ठीक है जी। तो हमने डिस्कस की थी कुछ चीजों को, फिर हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस था उसको स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, ये 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस लेगा, जिससे आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, पोस्टिंग है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी, तभी हम शेयर कैपिटल को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। चाहता तो पहले ही शेयर कैपिटल भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मजेदारी वाली बात नहीं रहेगी। सो एक काम कर रहे हैं, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इनवॉइस से लेकर और फाइनल अकाउंट्स तक थोड़ा सा बताया था, बस एक बार क्विक रिकैप दे दो। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी बिजनेस में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अकाउंटिंग का, वो किससे होता है, इनवॉइस से। इनवॉइस, चलान, बिल, वट एवर द केस में भी, क्योंकि अकाउंटिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कोई आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारे यहाँ आए, आपने हमें फीस दी, हमने आपको बदले में रिसीट दी, तो वो जो रिसीट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग का। जब तक हमारे पास वो रिसीट, हम रिसीट इशू नहीं करेंगे तब तक हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और जो बच्चे टैक्स वैक्स पढ़े हैं, इसी से ही जो अनरिकॉर्डेड हो जाती हैं चीजें, तो वो क्या बन जाती है, ब्लैक मनी टाइप बन जाता है, राइट। तो बेसिकली इसीलिए बोलते हैं ना कि हर एक चीज जो भी है पक्का बिल लो, पक्का बिल लो, पक्का बिल लो। वो रीजन यही है ताकि जिससे आप पक्का बिल ले रहे हो उसकी अकाउंटिंग में जाएगा, उसकी अकाउंटिंग में जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा, उसे मैंडेटरी हो जाएगा रिकॉर्ड करना। और जब वो रिकॉर्ड करेगा तो सर उसकी वजह से जो टैक्स आपने पढ़ा है, पीजीबीपी पढ़ा होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी। और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही उसे इनकम टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं चीजें। सो अगर हम बात करें यहां पे, तो इनवॉइस से जब फर्स्ट हमने रिकॉर्ड करना है तो कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। जर्नल में रिकॉर्डिंग जर्नली इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज होती हैं। जर्नल में रिकॉर्डिंग जर्नली किस फॉर्म में होती है, जर्नल एंट्रीज में। हाउएवर ऐसा जरूरी नहीं है, हम सीखेंगे। देन जर्नल से कहां पे जाती हैं, लेजर में। लेजर में क्या होती है, लेजर पोस्टिंग होती है। एंड जो अकाउंट्स हैं वो कहां मेंटेन होते हैं, लेजर में मेंटेन होते हैं। और यहां तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो डे टू डे बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे होती है, राइट। फिर लेजर के बाद जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं ईयर एंड पे, वो कहां ट्रांसफर होते हैं, ट्रायल बैलेंस में। एंड ट्रायल बैलेंस से कहां ट्रांसफर होते हैं, फाइनल अकाउंट्स में। आप ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि वेदर मेरे डेबिट एंड क्रेडिट के बैलेंस मैथमेटिकली इक्वल हैं या नहीं है। अगर अनइक्वल हैं तो इसका मतलब देयर इज सम एरर, और इसीलिए हमने चैप्टर पढ़ा था 11 12th में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट। तो ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेज हैं वो फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। फाइनल अकाउंट्स जो है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट इनकम स्टेटमेंट, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट या लॉस को बताता है, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनती है दैट स्टेटमेंट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट। एंड इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड जनरली इनटू 3 पोर्शंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड अगर हम बात करें पोजीशन स्टेटमेंट की, तो व्हाट इज पोजीशन स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट। अगर किसी भी बिजनेस की आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि उसके असेट कितने हैं और उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसको देखना है, तो उसके लिए आप बैलेंस शीट देखते हैं। उसी बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों चीजों को कॉम्बो मिला के हमारा फाइनल अकाउंट्स बनता है। और हमारा जो फाइनल अकाउंट्स है कंपनी की फॉर्म में हमें पढ़ना है, कंपनी जो कॉर्पोरेट एंटिटी का फाइनल अकाउंट्स है उसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 हमें पढ़ना पड़ेगा। देयर इज अ सेट पैटर्न फॉर्मेट, तो इसका मतलब कंपनी के केस में हमें लॉ ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, हेंस कंपनी अकाउंट्स में भी हमें सर लॉ बेस्ड ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एज कंपेयर टू कंपनी, यू कैन से दैट पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में छोटे बिजनेस होते हैं, इसीलिए वहां पे लॉ की ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं, हेंस वहां पे अकाउंटिंग कंपैरेटिवली सिंपल होती है एज कंपेयर टू कंपनी। इज दिस पॉइंट क्लियर।
तो हमने लास्ट क्लासेस में कोर्स के बारे में भी डिस्कस किया था. सो आगे कंटिन्यू करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में. आज जो मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा पहले आपको लेजर के बारे में बताना चाह रहा हूं. थोड़ा पहले आपको आज लेजर के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम जर्नल के बारे में बात करेंगे. एक काम करते हैं, आपको एक टर्म तो पता होगी, अकाउंट. व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? पढ़ के आए हैं घर से है? देखो ये सर बताएंगे व्हाट इज एन अकाउंट. अकाउंट क्या, व्हाट इज अकाउंट? अच्छा पीछे बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन. आपका नाम क्या है? योर गुड नेम? फर्स्ट क्लास है आज? अच्छा कॉमर्स पढ़, कॉमर्स से बेटा. अकाउंट क्या होता है? देखो बेटा ट्रांजैक्शंस को, जैसे आपने बोला ट्रांजैक्शन को तो हम जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं. बहुत सिंपल आंसर है, 11 से क्वेश्चन पूछा बेटा. इसीलिए मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने अपनी बुक में ना चैप्टर भी डाला है ये, क्योंकि हवा में बातें तो बहुत कुछ होती हैं, ठीक है ना. देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हम कितनी अकाउंट अकाउंट वर्ड बोलते रहते हैं, कंपनी अकाउंट. अकाउंट क्या है, व्हाट इज अकाउंट? एक मिनट, कोई बताएगा आप में से? यस दैट इज द करेक्ट आंसर. ये बच्चे एक्चुअली फाउंडेशन से ही है, मेरे से पढ़े हुए हैं. सो अब ये देखो आंसर बहुत सिंपल है. व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट क्या है? अकाउंट की कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चे, ठीक है. व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर. आपने सबने देखा हुआ है सब कुछ, पता नहीं है बस. अकाउंट इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर. सर सिर्फ टी शेप्ड स्ट्रक्चर से अकाउंट नहीं होता कोई. अकाउंट इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. अगर ऐसा है तो ऐसी जो फिगर बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं. तो अकाउंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट का मतलब इट इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर. अकाउंट टी शेप्ड होता है ना, हैविंग टू साइड्स, उसकी दो साइड्स होती हैं. वन साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, अनदर साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. डेबिट लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड. बड़े ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अगर कोई टी शेप्ड स्ट्रक्चर जिसकी ऐसे दो डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, कभी भी उसको हम अकाउंटिंग में अकाउंट नहीं बोलेंगे. सर हमने बचपन में टी शेप स्ट्रक्चर बैलेंस शीट भी बनाई है, बनाई थी ना, ऐसी बनती थी बैलेंस शीट. लेकिन बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है. व्हाई इट इज एन स्टेटमेंट? क्योंकि बैलेंस शीट की दो साइड्स तो होती हैं, लेकिन एक साइड लाइबिलिटी होती है, दूसरी असेट्स होती है. वहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेटा, साफ हो जाते हैं बच्चे जितनी मर्जी डिग्रियां हो सीएसीएस की, अगर ये बेस नहीं पता ना कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है. तो इसीलिए मैंने आपको जगाने के लिए ये 3-4 क्लासेस रखी होती हैं कि जागो जागो, बहुत जरूरी है, ठीक है. तो इसीलिए अब ये चीजें पता नहीं होंगी ना. और पता क्या होता है, हम सीएस बनने के बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम आंसर नहीं दे पाते ना, हमें लगता है सीएस बेकार है यार, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही. ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए. नौकरी बहुत पड़ी है सीएस की, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें भी कमी रहती है, हमें उसे इंप्रूव करना है, ठीक है. तो अकाउंट के लिए सबसे सिंपल बात है, अकाउंट इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड. एंड एक टर्म आप सबने सुनी हुई है, डबल एंट्री बुक सिस्टम. सुना है डबल एंट्री बुक सिस्टम एवरीवन? सो डबल एंट्री बुक सिस्टम जो है, ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा वो कहां होता है? अकाउंट में ही होता है. एंड ये अकाउंट, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, अकाउंट कहां मेंटेन होते हैं? एक बुक है जिसका नाम है लेजर. लेजर में अकाउंट मेंटेन होते हैं. तो लेजर क्या है? इट इज अ बुक
जिसमें हम क्या मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसीलिए डबल एंट्री बुक सिस्टम अगर आप बोलें तो लेजर में डबल एंट्री बुक सिस्टम होता है। व्हाई? बिकॉज लेजर में ही क्या मेंटेन होते हैं, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एंड अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल एंट्री बुक सिस्टम। एक सिंपल सा आंसर था, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब है कि सर हर ट्रांजेक्शन के दो साइड इफेक्ट होना। फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज टू साइड इफेक्ट, मिनिमम टू साइड इफेक्ट। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। एंड इसी के लिए हम टेक्निकली बोलते हैं इट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सीधी सीधी बात है। एक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, कोई अकाउंट डेबिट होगा इसका मतलब क्या है? कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या है? और रट्टा नहीं मानो, मैं कह रहा हूं कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या है? कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड उसकी मैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप। कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है? पोस्टिंग में यही तो होता ना, एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? सिंपल, अब ये जो पोस्टिंग है ना ये करनी आनी चाहिए हमें। एक अकाउंट, और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले कोई भी बैठे हों सबके लिए बहुत जरूरी है। साइंस वाले कहते हैं ना कि हमें तो यार अकाउंट्स बड़ा मुश्किल, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आंसर सही ढंग से आने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, किसी को याद है आप में से कि कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है? पाजी तुझे दसो इसका मतलब क्या है, कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या है? यस, कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब हम उस ट्रांजैक्शन को उस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। सिर्फ ये मतलब होता है कि अकाउंट डेबिट हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं राम अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ये अकाउंट कौन सा होगा? राम। ठीक है, राम अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? राम अकाउंट की किस साइड पे लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। पॉइंट समझ आता है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अब अपने आप आंसर बता दो, इसका मतलब उस अकाउंट की किस साइड पे लिख रहे हैं वो अमाउंट? लेफ्ट हैंड साइड पे। राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, इसका मतलब राम डेबिट हो रहा है, श्याम क्रेडिट हो रहा है। तो राम अकाउंट की किस साइड पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। श्याम अकाउंट की किस साइड पे लिखेंगे? राइट हैंड साइड। ये मतलब होता है कि ये अकाउंट का डेबिट होना, ये अकाउंट का क्रेडिट होना। अब कई बच्चों को रटवा दिया जाता है कि डेबिट का मतलब ऑलवेज बढ़ना, क्रेडिट का मतलब ऑलवेज घटना, ऐसा जरूरी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। अभी बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट की, बट मैं आपको पहले बेस बताना चाह रहा हूं कि अकाउंट होता क्या है। तो अकाउंट का मतलब इट इज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग टू साइड्स। सिंपल सी बात, सारे स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए कि जिसकी दो साइड्स होंगी, और दो साइड्स का मतलब कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी? क्रेडिट साइड। तभी वो अकाउंट बनेगा, अदरवाइज गांठ बांध लेना वो अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट साइड ही होती है। एंड हमेशा डबल एंट्री बुक सिस्टम किसमें चलेगा? अकाउंट में, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं चलता। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग, क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट होता है? इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, क्योंकि सर उसमें डबल एंट्री बुक सिस्टम नहीं होता है। सेम बैलेंस शीट जो है, क्या बैलेंस शीट अकाउंट है? नो, बैलेंस शीट भी अकाउंट नहीं है। इवन दो टी शेप स्ट्रक्चर होता था, कंपनी में तो नहीं होता, लेकिन टी शेप पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, इसका मतलब सब चीजें टी शेप्ड हो वो अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या ये अकाउंट है? क्योंकि इनकी दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड है उसके लिए नाम होता है एक्सपेंस, क्रेडिट साइड होती है उसके लिए क्या नाम होता है? इनकम। तो ये पहले बेस क्लियर करो बच्चे, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे की अकाउंटिंग तभी आसान हो जाएगी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो अकाउंट के मीनिंग, अभी मैंने सिर्फ अकाउंट का मीनिंग डिस्कस किया है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म अकाउंट। एंड हाउ दिस लेजर पोस्टिंग इज डन, सिंपल सी बात, जो अकाउंट डेबिट होगा उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसकी राइट हैंड साइड पे लिखना है। एक थंब रूल याद रखना, कभी भी हम अपने अकाउंट में, जिस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं उस अकाउंट में उसका खुद का नाम कभी भी नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, राइट, तो इसका मतलब अगर ये राम अकाउंट है, दिस इज अ राम अकाउंट, सो अज्यूम ये राम अकाउंट है,
तो इसमें मैंने बोला राम अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लेट से 100 रुपीज, तो डेबिट हो रहा है इसलिए मैंने 100 रुपीज यहां लिख दिए, ठीक है। लेकिन क्या मैं यहां पे राम नाम लिखूंगा या श्याम नाम लिखूंगा? श्याम, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम। और श्याम की जब अकाउंट की हम बात करेंगे तो वो क्रेडिट होना है, इसका मतलब उसके किस साइड पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। लेकिन नाम किसका आएगा? राम आएगा। तो सर मैं अपने आप को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकता ना, मैं अपने अकाउंट में किसी दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर सकता हूं, ये हमेशा ध्यान रखना है। कहते हैं ना जी कोई केस है, अगर हमें कोर्ट में जाना है, मैं अपने अगेंस्ट थोड़ा ना केस कर सकता हूं, केस के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए? 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए? 2 पार्टीज। That is the simple सा logic, right? तो ये आपको ध्यान रखना, this is the basic meaning of the term account। और ये मैं आपको बताऊं तो ये मैंने आपको ledger posting बता दिया कि ledger posting होती कैसे है, कि कोई account debit हो रहा है तो उसकी left hand side में लिखना है, दूसरा account credit हो रहा है तो उसकी right hand side पे लिखना है। क्या लिखना है सर? दूसरे account का नाम और जो figure है, figure तो दोनों में common होगी ना, तो वो लिखनी है। ये होता है ledger posting, इसे हम ledger posting बोलते हैं, सिंपल सी बात है। Now the next point is कि सर जी जो आपने बताया अकाउंट, सर ये कितने टाइप के होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। हां जी, कितने टाइप के अकाउंट बेटा? 3 टाइप के। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यस येरी सर, यस सर, सेम सेम सेम। यस बच्चे, सेम 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 सेम। भाजी कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? इज्जत रख ली अपनी, ठीक है। एक्चुअली आप जो पढ़ रखे हैं ना आप लोगों ने, वो हाफ आंसर है जो भी आया ना, पर्सनल रियल नॉमिनल, दैट इज द हाफ आंसर। फुल आंसर समझते हैं कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को पढ़ने के लिए हमें 2 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, केस 1 एंड केस 2। देर आर 2 केसेस, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप्स ऑफ अकाउंट केस 1 एंड केस 2 किस बेसिस पे बात करें? 2 अलग अलग बेसिस हैं अकाउंट्स को डिवाइड करने के। 1 इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बेसिस, अनदर इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस, अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस। मतलब ये लेयर्स आपको मालूम नहीं है, आपने बिल्कुल एंड रिजल्ट दे दिया, तो ये लेयर्स पहले पता होनी चाहिए। ट्रेडिशनल बेसिस, अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बेसिस। ट्रेडिशनल बेसिस की अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बेसिस, ट्रेडिशनल बेसिस कि अगर हम बात करें तो इसके बेसिस पे जो अकाउंट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, ए पर्सनल अकाउंट, बी इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एंड बी इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल। पहले चार्ट बना लेते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब अगेन पर्सनल आपने सुन रखा है, इम्पर्सनल नहीं सुन रखा, ठीक है ना। तो ये चार्ट पूरा कंप्लीट करते हैं फिर आपको समझ आएगा। अब पर्सनल क्या है अभी बात करेंगे। पर्सनल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पर्सनल जो है बेटा वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड थर्ड कौन सा है मैं भूल गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। दिस इज द चार्ट फॉर पर्सनल अकाउंट। ये ट्रेडिशनल बेसिस पे हमने डिवाइड किया पर्सनल एंड इम्पर्सनल। Now, personal is further subdivided into 3 categories, natural, artificial and representative personal account, right? अगर हम impersonal की बात करें, if we are talking about impersonal account, it is subdivided into 2 parts. इसमें आपका आएगा real and nominal.
रियल एंड नॉमिनल, ये चार्ट है बेटा जो ट्रेडिशनल बेसिस। आप देखो आपने सीधा बोला था पर्सनल, गलत नहीं था लेकिन वो कंप्लीट नहीं था, पर्सनल रियल नॉमिनल आपने भी बताया था, लेकिन दिस इज हाउ। अब यही तो डिफरेंस रहेगा इलेवंथ की इकोनॉमिक्स में, फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में या किसी और इकोनॉमिक्स में, यही डिफरेंस रहेगा। कंपनी लॉ ग्रेजुएशन में जब पढ़ के आते हो, कंपनी लॉ जब सी एस एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हो तो डिफरेंस तो रहेगा ना, टैक्स जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, तो ये डिफरेंस रहने हैं आपके, तो यही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट्स अकाउंट्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पर्सनल एंड इम्पर्सनल, पर्सनल में तीन कैटेगरीज हैं, इम्पर्सनल फर्दर सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। अब ये जो रियल है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड, रियल इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, कौन सा बेटा, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये चार्ट है बेटा कंप्लीट, यही है ना, ऐसे ही कुछ याद है तुम्हें, नालायक हूं। हाँ सर हम कल ही देख के आए हैं रात को, है ना, 5 ग्राम लग रहा है, शक्ल से भी बता रहा हूं मैं तुम्हें, देख के आयो ना पुरानी फाउंडेशन की निकाल के। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुमने बुक उठा ली हो वाली, चलो कई बार तो रद्दी में बिक जाती है, हम एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, पुराना बेच दो, बेचना नहीं है देखो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी काम आती है ये सारी चीजें, ठीक है। चलें जी आगे, अच्छा चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बेस तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे को आप ही बता दो सर, आपने बोला था पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, व्हाट आर पर्सनल अकाउंट, शॉर्ट शॉर्ट में इसको खत्म करते हैं फटाफट से, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, व्हाट आर पर्सनल अकाउंट। ये रही सर पर्सनल अकाउंट, नाम ही याद है बस, काम याद नहीं है इनका, हैं कम पड़ा था, अरे एक्सक्यूज थोड़ी ना, एनीवन एल्स, बोलो बेटा शाबाश, गलत होगा कोई बात नहीं ठीक कर लेंगे, घबराना नहीं है, पता चल गया होगा और ये तो अब देखो ये चीजें नहीं कराए मेरा तो मन नहीं मानता आगे बढ़ने का, और नॉर्मली ये बताई नहीं जाती प्रैक्टिकली, और ये पता भी नहीं है लोगों को, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब सीधा शेयर कैपिटल डिबेंचर सीधा, कई बार तो अमेलगमेशन ही शुरू हो जाता है, हाँ होता है, कोई बात नहीं, हाँ जी बेटा बताओ, बट ये बहुत रेलेवेंट है चीजें बेटा, शर्माने की बात नहीं, पता तो मैं तो बताऊंगा ही ना किसी, अच्छा पर्सनल के बारे में किसी को मालूम पता बेटा, पर्सनल अकाउंट कौन सा होता बेटा, हाँ? रूल वूल कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं रूल वूल फॉलो, रूल तो चाहिए नहीं, कंसेप्ट बेसिक पर्सनल, पीछे दोनों में से कोई बेटा, एनीथिंग यू वांट टू ट्राई, गलत ही होगा और क्या हो जाएगा, बोलो बोलो शाबाश, नहीं कुछ बोलना तो चाह रहा है यार, बोल दे यार, वो तो नीचे लिखा है, पर्सनल क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ये भी बता दूं कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बेटा हम एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के एंगल से कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा यहां पे बिजनेस क्या है, कंपनी, हम कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, तो कंपनी की फॉर्म में जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो कंपनी कर रही है, ठीक है, तो कंपनी के एंगल से ये सारी चीजें हो रही हैं, कंपनी ही कंपनी के नाम पे इनवॉइस हो रही है, कंपनी ही सारा काम कर रही है, कंपनी ही अकाउंटिंग कर रही है, यानी कंपनी ही जर्नल बना रही है, कंपनी ही लेजर बना रही है, सब कुछ कंपनी कर रही है, तो कंपनी के एंगल से हमें, उस बिजनेस के एंगल से हमें ये सारी चीजें करनी है, तो उस बिजनेस के एंगल से टाइप्स ऑफ अकाउंट हम पढ़ रहे हैं। हमने बोला ट्रेडिशनल बेसिस पे दो पार्ट है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल, पर्सनल वर्ड का मतलब है, व्हाट इज पर्सनल, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स, सिंपल सी लैंग्वेज है, विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट, उस कंपनी के एंगल से, ठीक है सर, जिनके साथ कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, ठीक है, उनके एंगल से बात करनी है, कंपनी के एंगल से कोई भी ट्रांजैक्शन किसी पर्सन के साथ हो रही है, वो पर्सन जो है उनसे रिलेटेड जो अकाउंट है उस कंपनी के लिए क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया, पॉइंट समझ आता है, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो ये चीज आप सबने ध्यान रखनी है कि कंपनी उस बिजनेस के एंगल से, और बिजनेस जिसे ट्रांजैक्शन करेगा उसी की तो अकाउंटिंग करेगा, तो जो ट्रांजैक्शन वो जिन पर्सन से कर रहा है वो सारे पर्सन के जो अकाउंट वो कंपनी मेंटेन कर रही है,
सर उस कंपनी के एंगल से वो अकाउंट क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए. दोज आर पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन. बिल्कुल सिंपल सा आंसर है. अब इसमें कोई रटना थोड़ी ना, समझना है राइट. अब वो पर्सनल अकाउंट फर्दर सब डिवाइडेड है तीन कैटेगरी में, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे को पहले इम्पर्सनल बताना है. अब ये वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना हुआ, बट इम्पर्सनल पता होना चाहिए. व्हाट इज इम्पर्सनल अकाउंट? सिंपल सी बात क्या होगी, उस बिजनेस के एंगल से दोज अकाउंट विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता बट अकाउंट तो है सर, वो सारे अकाउंट क्या होंगे, इम्पर्सनल अकाउंट होंगे. तो सिंपल सी बातें हैं बेटा, पर्सनल एंड इम्पर्सनल में क्या डिफरेंस है. पर्सनल अकाउंट दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन. इम्पर्सनल का मतलब अगर हम बताएं तो इम्पर्सनल क्या है सर, विच डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, बट अकाउंट तो है, उन अकाउंट को हम इम्पर्सनल की कैटेगरी में कवर करेंगे. इम्पर्सनल फर्दर किस में डिवाइड है, रियल एंड, आप हमेशा ध्यान रख लेना, चेक कर लेना, रियल में कभी भी पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, कोई पर्सन का नाम नहीं आएगा, ठीक है, नॉमिनल में भी नहीं आएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? पर्सनल एंड इम्पर्सनल. नाउ पर्सनल को हम डिस्कस करते हैं, अब तो नाम से ही ये रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये अभी होल्ड कर लेंगे क्योंकि नॉमिनल के बाद ही पता चलेगा. नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, इतना तो आप लोग कंपनी लॉ भी पढ़ चुके, इतना तो नॉलेज होगी. नाउ नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे, व्हाट आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल उस बिजनेस के एंगल से वो अकाउंट नेचुरल पर्सनल होंगे जो पर्सन को तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बट वो पर्सन कैसे होंगे, नेचुरल. नेचुरल का मतलब इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है. अगर ऐसा है तो वो नेचुरल पर्सनल कहलाए जाएंगे. व्हाट आर आर्टिफिशियल पर्सनल? आर्टिफिशियल का पर्सन का मतलब जो ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बट वो पर्सन की कैटेगरी को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सारे क्या कहलाए जाएंगे, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाए जाएंगे. रिप्रेजेंटेटिव अभी आपको समझ नहीं आएगा बेटा, होल्ड करके रखेंगे. तो पर्सनल को अभी हमने डिस्कस किया, नेचुरल पर्सनल एंड आर्टिफिशियल पर्सनल. फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. लेट से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, आई होप सो सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं. एक्स लिमिटेड ने क्रेडिट सेल की. एक्स लिमिटेड ने क्रेडिट सेल की मिस्टर ए को. ध्यान से, एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को क्रेडिट सेल की, ठीक है जी, क्रेडिट सेल कर दी एक्स लिमिटेड ने. अब एक बात बताओ, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई राइट, तो एक्स लिमिटेड अपनी अकाउंटिंग करेगी. तो हम एक्स लिमिटेड के एंगल से बात कर रहे हैं कि एक्स लिमिटेड के लिए ए का रिलेशन बन गया कुछ. एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में ए का अकाउंट बनाएगी, यस और नो? तो पहले तो ये बताओ, एक्स लिमिटेड के लिए ए क्या हुआ, लेट से 1,00,000 रुपए की क्रेडिट सेल की एक्स लिमिटेड ने ए को, इनके बीच में कौन सा रिलेशन बना, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनेगा ना. तो मुझे ये बता दो, एक्स लिमिटेड डेटर है या क्रेडिटर है? एक्स लिमिटेड ने क्रेडिट सेल की है, यानी एक्स लिमिटेड ने ए को उधार पे गुड्स बेचे, ए से एक्स लिमिटेड ने पैसा लेना है. तो एक्स लिमिटेड क्या है, डेटर है या क्रेडिट? अच्छा, डेटर क्रेडिटर तो सबने सुना हुआ है ना. अच्छा, एक्स लिमिटेड क्या है, मेरे को सिंपल सा आंसर चाहिए, कोई कहानी नहीं चाहिए. एक्स लिमिटेड क्या है, श्योर? देख ले, शकल लग रही नहीं थी, श्योर है तू? हाँ बच्चे, आप बताओ एक्स लिमिटेड क्या है बेटा? डेटर, डेटर. तो समझो अब डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिसने पैसा लेना है, हिंदी में बोल रहा हूं, देसी भाषा में, जिसने पैसा लेना है, यहां पे किसने पैसा लेना है, एक्स लिमिटेड ने, वो क्या होगा, क्रेडिटर. जिसने पैसा देना है वो क्या होगा, डेटर. तो यहां पे एक्स लिमिटेड ने पैसा ए से लेना है क्योंकि उसने गुड्स उधार में बेचे हैं, तो ए एक्स लिमिटेड को पैसा देगा ना, तो एक्स लिमिटेड क्या हो गई, क्रेडिटर, और ए क्या हो गया, डेटर. सिंपल सी बात है. अच्छा, अगर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, लेट से हमने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए, यस और नो? तो
बैंक हमारे लिए क्या हो गया, डेटर, क्योंकि हमने अपना पैसा उसको दिया है तो हमने उससे लेना है वापस, तो हम उसके क्या हो गए, क्रेडिटर। ये रिलेशन पहले क्लियर करो सब लोग, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है, लेकिन गलत होगी तो पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो एक्स लिमिटेड के बुक्स में ए का अकाउंट बनेगा, एंड एक्स लिमिटेड के लिए अब अपने आप बताना, एक्स लिमिटेड के लिए जो ए का अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है या इम्पर्सनल अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। वाई पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि सर एक्स लिमिटेड के एंगल से मिस्टर ए क्या है, पर्सन है, दैट्स वाई इट इज अ पर्सनल अकाउंट। और जो ये पर्सनल अकाउंट है, अपने आप बताना, नेचुरल पर्सनल या आर्टिफिशियल पर्सनल? नेचुरल पर्सनल। क्या ये पॉइंट समझ आता है? ऐसे ही लेट से एक्स लिमिटेड ने लेट से वाई लिमिटेड को भी क्रेडिट सेल की, एक्स लिमिटेड ने क्रेडिट सेल वाई लिमिटेड को की, तो अगेन इन दोनों में डेटर क्रेडिटर रिलेशन है, यस और नो? तो एक्स लिमिटेड अगेन कौन सा अकाउंट बनाएगी, वाई लिमिटेड का बनाएगी अपनी बुक्स में, ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे वही सेम है, एक्स लिमिटेड के एंगल से वाई लिमिटेड का अकाउंट पर्सनल है या इम्पर्सनल है? पर्सनल, यस और नो? और पर्सनल में कौन सा, नेचुरल आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। इज दिस पॉइंट क्लियर? दैट इज द डिफरेंस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट, एक और तीसरी चीज बताता हूं, क्योंकि कई चीजें अकाउंटिंग की कंपनी लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट होती है, कई चीजें टैक्स की कंपनी लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तो इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगेन लेट से एक्स लिमिटेड ने ए बी पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट सेल की, इस बार एक्स लिमिटेड ने ए बी पार्टनरशिप फर्म को भी क्या किया, क्रेडिट सेल की। तो इसका मतलब इस बार एक्स लिमिटेड किसका अकाउंट बनाएगी, ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बनाएगी। तो अब मुझे बताओ अकाउंटिंग के एंगल से इनके बीच में डेटर क्रेडिटर रिलेशन तो सेम है, ठीक है, अकाउंटिंग के एंगल से एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या इम्पर्सनल अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है या इम्पर्सनल अकाउंट है? हाँ जी, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, व्हाई? बिकॉज उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट चाहे वो टैक्स हो चाहे वो अकाउंट्स हो, टैक्स में एक पर्सन की डेफिनेशन पड़ी होगी, 7 कैटेगरीज होती हैं, तो उस पर्सन की कैटेगरी में पार्टनरशिप फर्म भी होती है, उनका अपना एक पर्पज है, कंपनी लॉ का अपना एक पर्पज है, अकाउंटिंग का अपना एक पर्पज है। तो यहां अकाउंटिंग के एंगल से पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, एक पर्सन है, हेंस यहां पे ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी क्या हो गई, पर्सनल इन नेचर, एंड कौन सा, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये नहीं पता होगा ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो ये आपको, हमने पर्सनल अकाउंट की बात की है, पर्सनल में नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सनल। इसमें किसी को कोई डाउट हो यहां तक यू कैन आस्क। अभी रिप्रेजेंटेटिव जब नॉमिनल हो जाएगा ना तब बात करेंगे। क्लियर है? चले आगे फटाफट से। नेक्स्ट कौन सा था जी, नेक्स्ट कौन सा था फटाफट? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल किसकी बात करता है, जो पर्सनल नहीं है, विच आर नॉट पर्सनल। जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो सारे क्या होंगे, इम्पर्सनल अकाउंट होंगे, एंड फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। व्हाट आर रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट क्या होंगे, व्हाट आर रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट क्या हो, सुना होगा रियल, एसेट्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, यस, हाँ वो तो आएगा आगे टेंजिबल, पहले रियल तो समझ लेना, आएगा वो टेंजिबल भी आएगा इंटेंजिबल भी। यस बेटा आप बताओ, एसेट्स ऑफ द कंपनी, विच रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की प्रॉपर्टीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। एंड जनरली रियल अकाउंट जो है एज अ जनरल रूल हमेशा यही होता है कि ये मेनली असेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है,
कुछ असेट जो हैं वो रियल अकाउंट में कवर नहीं होते हैं। पढ़ेंगे अभी हम बताते हैं उसके बारे में भी। तो रियल अकाउंट सिंपल सी बात किसको है, किसके लिए होते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस है। और क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, क्योंकि यहां कोई पर्सन की बात नहीं की जा रही है, तो सर यहां पे जैसे फॉर एन एग्जांपल उसी कंपनी की बात करते हैं, एक्स लिमिटेड की बात करते हैं, उसी कंपनी, इस कंपनी ने परचेज किया, क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इस कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया। अब अपने आप बताना, जो फर्नीचर, अब एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में किसका अकाउंट बनाएगी, फर्नीचर अकाउंट बनाएगी, तो ये जो फर्नीचर अकाउंट एक्स लिमिटेड के एंगल से कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, दैट इज नोन एज रियल अकाउंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो सर रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स, ये किसकी बात करते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस की बात करते हैं। सर उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे दे आर नोन एज रियल अकाउंट। एंड जनरली सारे के सारे, बड़े ध्यान सुनना, सारे के सारे जो असेट्स, मैंने बोला जनरली विद फ्यू एक्सेप्शंस, वो रियल अकाउंट में क्या होते हैं, कवर होते हैं। रियल अकाउंट समझ आता है? एंड रियल अकाउंट दो तरीके के हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। अच्छा, टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ड का जो क्लैरिटी है एक बार वो भी समझ लेते हैं। टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वाओ, है ना, यस, टेंजिबल क्या सेम, हाँ वो जरा जरा टच मी है ना, राइट, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फील, है ना, ऐसा होता है, बट विच कांट सीन, वो इंटेंजिबल हो जाता है ना, ऐसा होता है ना नॉर्मली, यही हमें 11 12 से प्रथा चलती आ रही है, विच कैन बी टच्ड, है ना, वो टेंजिबल, विच कांट बी टच्ड, इंटेंजिबल, है ना। अच्छा, इसका कुछ और आंसर है कुछ और आंसर, मैंने बताया था भूल गए। यस, टेंजिबल वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल वो होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है वो सारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल। जैसे गुडविल है, गुडविल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। दैट्स वाई सर दे आर नोन एज इनटेंजिबल, इनटेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल का मतलब ही है कि सर जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। फर्नीचर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, टेंजिबल, वाई दे आर टेंजिबल, बिकॉज इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हमारे जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फील, मतलब ऐसे ऐसे। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है टेंजिबल, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट दोनों ही किसमें कवर हो रहे हैं, रियल अकाउंट में, बिकॉज दीज अकाउंट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट हमारा इम्पर्सनल में क्या रह गया बच्चे, लास्ट हमारा क्या रह गया, नॉमिनल अकाउंट। ओहो, नॉमिनल अकाउंट, हमारा पूरा बिजनेस इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। What are nominal accounts? Nominal account क्या होते हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं 11th पढ़ा रहा हूं, जो 10th से पास हुए बच्चे आए हैं अभी बोर्ड के एग्जाम क्लियर करके परसेंटेज लाके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पहली बार उनको पढ़ा रहा हूं, क्यों ऐसे मेरे को फील सा हो रहा है। चलो कोई नहीं सर, ये खुद ही लाए हो फील, पंगा खुद ही लिया है, मत लेते सीधा शेयर कैपिटल शुरू कर देते, ना ये री सर। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट? हाँ जी, किसी को मालूम है, मेरे को ही बताना है, 5 ग्राम, सर यही होता है क्या? हिंट दे दिया मैंने, नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर थिंग्स, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट है वो अकाउंट क्या कहलाया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाया जाए। तो नॉमिनल अकाउंट चार चीजों में से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक्सपेंस को बिजनेस के, बिजनेस के लॉस को, बिजनेस की इनकम को, बिजनेस के गेन को। नॉर्मली दो चीजें होती हैं बेटा, एक्सपेंस एंड इनकम।
ठीक है, लॉस बहुत फ्रीक्वेंट होता है, गेन भी बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत रेयर होता है, सॉरी फ्रीक्वेंट कर रेयर होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा ना बताया नहीं जाता. नॉर्मली जितने भी एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, जितने भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. दीज आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल बेसिस इज ऑल अबाउट. ये आपका ट्रेडिशनल बेसिस बनता है. अच्छा, कोई मुझे बताएगा एक्सपेंस के कुछ एग्जाम्पल बताओगे? एक्सपेंस के एग्जाम्पल, सैलरी क्या है? अगर हमने अपने बिजनेस में इंप्लॉइज को पेमेंट की, ठीक है सर, सैलरी पे की, तो सैलरी उस बिजनेस के एंगल से क्या है? एक्सपेंस है. अगर लेट से हमने ये प्रीमिसेस को रेंट पे ले रखा था, तो हमने रेंट दिया, तो सर रेंट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया. सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे अकाउंट क्या हैं हमारे? एक्सपेंस अकाउंट हैं. और ये जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? नॉमिनल इन नेचर होता है. इनकम की बात करते हैं. इनकम के कोई दो एग्जाम्पल बताओ. इनकम अकाउंट के कोई दो एग्जाम्पल. वेरी गुड. ये जनरली बच्चों को पता नहीं होता. सेल अकाउंट जो होता है हमेशा क्या होता है? इनकम होती है. सेल इज एन इनकम. अच्छा, परचेज क्या होगा? एक्सपेंस. उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड. अगर इंटरेस्ट पेड है तो क्या होगा? एक्सपेंस. सिंपल सी बातें हैं बेटा, ये क्लियर होगा तभी पता चलेंगे आगे, ठीक है ना. उसके अलावा रॉयल्टी रिसीव्ड होती है ना, रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और देख लो डिविडेंड रिसीव्ड. सब हमारे इनकम्स हैं और एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द टर्म इनकम. ये पीएनएल अकाउंट की, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते हैं, वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं. वेजेस पे करते हो, वेजेस क्या है? एक एक्सपेंस है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने बोला, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने बोला, बहुत सारे एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. एंड टू बी वेरी फ्रेंक विद यू पीपल, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ईयर एंड पे, दे आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट. ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए जनरली ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल इन नेचर होता है. अगर आपसे कोई बोले ना कि सर किसी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कौन से अकाउंट से निकल के आएगा, तो आंसर क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट. इन्हीं से ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है या लॉसेस निकल के आते हैं, क्योंकि बिजनेस यही हो रहा है. आप देख लो ना, एक्सपेंस हो रही है, इनकम हो रही है, तो इसी का डिफरेंस क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो हमेशा ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट जब क्लोज होता है ना, नॉमिनल अकाउंट जब क्लोज होते हैं, तो इनके बैलेंसेस कहां ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में. रियल एंड पर्सनल अकाउंट जब क्लोज होते हैं, तो उनके बैलेंस कहां ट्रांसफर होते हैं? बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ही ट्रांसफर होते हैं, कभी भी नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है. ये ध्यान रख लेना, नॉमिनल अकाउंट हमेशा कहां ट्रांसफर होंगे? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में. अब एक पॉइंट हमारा रह गया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट. अच्छा, आप सबने एक टर्म तो सुनी होगी, जैसे सैलरी सुना ना, सैलरी. अगर मैं सैलरी के आगे देखते हैं कितना आपको बताया है, आउटस्टैंडिंग लगा दूं, या पीछे आउटस्टैंडिंग लगा दूं, या सैलरी प्रीपेड हो जाए, या प्रीपेड सैलरी बोल दूं, एडवांस सैलरी बोल दूं, राइट. तो अगर ऐसा हुआ किसी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, किसी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, तो उस नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, एंड दैट अकाउंट विल बिकम द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है. ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है सर. सैलरी के आगे आउटस्टैंडिंग लगा, या सैलरी के आगे या पीछे कुछ प्रीपेड लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग होना.
एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब है करेंट ईयर में हमने उसका बेनिफिट ले लिया बट उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है, यस और नो? तो सर उसके आगे क्या लग गया? आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पेमेंट फ्यूचर में होगी, पेमेंट फ्यूचर में होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? उसे कहीं ना कहीं हमें लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? तो अब आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने देखा होगा टीचर ने रटवाया था, बैलेंस शीट की किस साइड पे आना चाहिए? लायबिलिटी साइड पे। और हमने एडवांस में सैलरी दे दी तो ये हमारे लिए क्या हो गया? असेट हो गया, यस और नो? तो ये कहां रटवाया था? बैलेंस शीट में। किस साइड पे आना चाहिए? असेट साइड में। उसका लॉजिक क्या है? क्वेश्चन उठा, अगर मैं इन दोनों को नॉमिनल बोल दूंगा तो हमारी कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मैंने अभी बोला नॉमिनल अकाउंट कभी भी कहां ट्रांसफर नहीं होते? बैलेंस शीट में। लेकिन अब इनका नेचर क्या बन चुका है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसीलिए क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, अभी मैंने क्या बताया था, जितने भी रियल जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं वही कहां ट्रांसफर होते हैं? बैलेंस शीट में। अब इनका नेचर चेंज हो गया है, नाउ दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड हेंस दे आर ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगे। ये रीजन है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम क्यों हमारी बैलेंस शीट में नजर आती है? इवन दो दे आर नॉमिनल अकाउंट बट जितना पोर्शन आउटस्टैंडिंग है जितना पोर्शन प्रीपेड है सर, वो उनका नेचर चेंज हो गया क्योंकि सर वो अब आगे पे होगा या हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, तो वो हमारे असेट या लाइबिलिटी की वजह से सर हम उसे बैलेंस शीट में शो करते। दैट इज द रीजन आपको ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड बैलेंस शीट में नजर आता है। क्या ये पॉइंट समझ आता है बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? सो दैट इज ट्रेडिशनल बेसिस। ये हमने ट्रेडिशनल बेसिस कवर किया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। एक बार रिकैप कर दो एक मिनट में फटाफट से, व्हाट आर पर्सनल अकाउंट? अब हमें पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट क्या होंगे? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट, किसके एंगल से? बिजनेस के एंगल से, वो पर्सनल अकाउंट होंगे। एंड पर्सनल अकाउंट का कितनी कैटेगरी फर्दर सब डिवाइडेड है? नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा केस था इम्पर्सनल, फटाफट से इम्पर्सनल क्या होंगे? जो पर्सनल नहीं है, विच आर नॉट पर्सनल इन नेचर। एंड इम्पर्सनल जो है वो कौन कौन से हैं? रियल एंड नॉमिनल। रियल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्रॉपर्टीज को, बिजनेस की। एंड नॉमिनल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बिजनेस के एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन को। दिस इज होल अकाउंटिंग। ये हमारे अच्छा, ये जितने भी अकाउंट है कहां मेंटेन होंगे? लेजर में मेंटेन होंगे। ईयर एंड जब आएगा तो आपने पढ़ा था ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन में समराइजिंग, तो ईयर एंड पे इन लेजर के जो बैलेंसेज हैं इनको हमें पोस्ट कर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये कहां ट्रांसफर होंगे सर? नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज कहां ट्रांसफर होंगे? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। रियल एंड पर्सनल अकाउंट कहां ट्रांसफर होंगे सर? बैलेंस शीट में ट्रांसफर। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। एंड ये हमने ट्रेडिशनल बेसिस पे कंप्लीट किया है। क्लियर है एवरीवन? ये नेक्स्ट दूसरा जो बेसिस है ना बच्चे, सेकंड बेसिस हमने जो डिस्कस करना है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड सिंपल सा है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस पे आपको पता ना कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड जो असेट्स के टाइप है वो सिंपल है सर। असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, सुने है ना ये वर्ड, सुने होंगे आप लोगों ने, कैपिटल अकाउंट, उसके अलावा एक्सपेंस अकाउंट, उसके अलावा इनकम अकाउंट, लॉस अकाउंट, गेन अकाउंट। अब आप देखें कहीं ना कहीं आपको इन सब में रिजेम्बलेंस नजर आ रही होगी। ये दूसरा तरीका है अकाउंट्स को पढ़ने का जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड। हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड। वो होता है ट्रेडिशनल बेसिस, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड। अगर मैं किसी को, मैं अगर बोलूं मुझे फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो फर्नीचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके से, अब मैं इनको मर्ज करने जा रहा हूं, अब इनको मैं मर्ज करने जा रहा हूं। आई होप सो सबको असेट का मीनिंग तो पता होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। असेट पता होगा, लाइबिलिटी पता होगा, कैपिटल पता होगा, एक्सपेंस वगैरह तो मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। अब मैं इनको मर्ज करता हूं, देखो अब बहुत सुंदर पिक्चर निकल के आने वाली है। अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे ये बताओ असेट्स, मैं कुछ आपसे एग्जाम्पल एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है सर, मुझे ये बताना कि ये असेट है या लाइबिलिटी है, बस ये बता दो। मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं, असेट्स या लाइबिलिटी, बस मुझे बाइफरकेट करके बता दो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं
डेटर, अभी लिखना मत समझना, क्रेडिटर, कैपिटल, फर्नीचर, सॉरी और भी बढ़ा दूं, एक्सपेंस बता देना, इनकम बता देना, ठीक है, एक ही में हो जाएगा हमारा काम। उसके अलावा बिल्डिंग, कैश बैलेंस, मजा आएगा, बैंक बैलेंस मजा आएगा, सेल, परचेज, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सेट, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग सब ये बता दो, इनमें कौन सा असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, कर सकते हैं एक बार, अब नोट कर लें और अपनी रजिस्टर के ऊपर एक बार इसमें फिल करके बताएं, डेटर क्या है, क्रेडिटर। अच्छा ये किसके एंगल से हम बात कर रहे हैं, बिजनेस के एंगल से बात करें, तो बिजनेस के एंगल से क्या है एक बार मुझे बताएं, जिससे मुझे इजी हो जाएगा आपको समझाना। डू इट राइट नाउ। चलो चलो जल्दी, स्माइली स्माइली नहीं, अगर ये किसी का गलत हुआ ना, तुम्हारा 11th का पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर है ना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा बेटा, देख लेना, ध्यान रख लेना तुम। लगाना चाहिए ना। अच्छा डन, मुझे लगा कह रहे हैं लगा देना सर, जल्दी शाबाश, ये पिक्चर तो अगली क्लास में पता चलेगी पूरी, है ना पाजी। यस सर, ये सीख लो, तुम्हारी आधा कंपनी अकाउंट्स वैसे ही टेंशन खत्म हो जाएगी। अब इस बार का मैंने कंपनी अकाउंट्स का पेपर देखा, चिल्लड़ सा पेपर आया, ढंग से कोई कर ले तो 70-80 नंबर, बस वही है कि वो ढंग से कोई कर ले तो, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराए हुआ आया है। आसान बोली ना, तो वो ढंग से पढ़ी थी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कल ही देखा पेपर, वो सीरियस थी ना पढ़ने में, बहुत सीरियस है वो लड़की, अच्छा है पढ़ने में उसका। चलिए हाँ जी, हो गया जी, इतना ही टाइम लगा, ओ नलायक आज ही करना है, हैं? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है तूने 11वीं 12वीं जो है ना मजे मजे में पास कर ली, ऐसी हुआ है ना, ठीक है ना, मैक्सिमम सब ऐसी करते हैं। चलो कोई बात नहीं, और सीखना है ना तो बेटा मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, बट सीखने वाले बच्चे ना आजकल कम हो गए, उनको लगता है बस जेट तेज है, फटाफट पास कराओ, आगे की आगे देख लेंगे, आगे तो कभी आती नहीं है। हाँ जी चलें जी, देखें चेक करें कितना हमने ठीक किया है नहीं। चलो जी, डेटर एवरीवन, ये इज्जत अपनी रख लेना, असेट, ठीक है एवरीवन, क्रेडिटर, हाँ नहीं नहीं इसकी बात कर रहा हूं, ये लड़के गलत है ना, क्या लिखा है, एक्सपेंस, देखा मुझे पता है ना, देख लो। अरे बिजनेस ने किसी से पैसा लेना है तो वो बिजनेस के लिए डेटर हो गया, समझना है बेटा, गलत हो गया कोई बात नहीं, अब तो ठीक करना है ना, तो बिजनेस ने जिससे पैसा लेना है वो डेटर है, मैंने किसी से पैसा लेना है वो मेरा डेटर है, तो मेरे लिए डेटर क्या है, असेट। अगर मैंने किसी को पैसा देना है,
तो सर उसके एंगल से क्या होगा, मेरे एंगल से क्या होगा, तो मुझे तो अपने एंगल से देखना है, पॉइंट समझ आता है। तो क्रेडिटर कौन होगा, जिसको मैंने पैसा देना है, जिसको मैंने पैसा देना है वो मेरा क्रेडिटर है, तो मेरे लिए वो क्या हो गई, बस सिंपल सिंपल। तो ये क्रेडिटर मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। बिजनेस, मैंने का मतलब बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होगा, लायबिलिटी। बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या होगा, असेट, ठीक है ना। बिजनेस के लिए बिल्डिंग क्या होगा, असेट। अब मजा आएगा, बिजनेस के लिए कैश बैलेंस क्या होगा, असेट। असेट ही होगा ना कैश बैलेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस क्या होगा, असेट। बिजनेस के लिए सेल क्या होगी, इनकम, बताया था ना अभी मैंने। बिजनेस के लिए परचेज क्या होगा, एक्सपेंस। सैलरी क्या होगी, एक्सपेंस। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो लायबिलिटी, अभी बताया था मैंने, इट बिकम्स अ लायबिलिटी। पॉइंट समझ आते हैं। तो ये अच्छा, ये जो मैंने अगर ऐसे अकाउंट बनाए तो इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड। इसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड। अच्छा, अब इन्हीं डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, फर्नीचर, डेटर, जो भी ये नाम है, अगर मैं इसे ट्रेडिशनल बेसिस पे बोलूं, ट्रेडिशनल बेसिस पे बाइफरकेट करके बताओ, कौन सा ट्रेडिशनल बेसिस था बच्चे, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट था ना। तो पर्सनल कौन से होंगे, अच्छा पर्सनल में हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल, यस और नो, ठीक है। और कौन से अकाउंट इम्पर्सनल, इम्पर्सनल तो कोई नहीं होगा, इम्पर्सनल में क्या होगा, या तो रियल होगा या नॉमिनल होगा। अब रियल होगा तो रियल में कौन सा, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो अब उसके एंगल से मुझे ये बाइफरकेशन करके बताओ, देखो दोनों जुड़ जाएंगे अपने आप से, जोड़ो, शाबाश। अपनी समझ से जोड़ना, किसी की नकल मार के मत जोड़ना, शाबाश। वाइडर सोचना सारा, एक दो जगह ही अटकोगे बस, जो गलती होने के चांस है, बाकी तो सब मेरे को लगता है सब निकाल देंगे। हो गया पाजी, हो गया, चलें चेक करें। देखो बेटा, अब सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बेसिस का कंसेप्ट हमें ध्यान है, डेटर, डेटर की बात करें तो बिजनेस के लिए डेटर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। अब जो ये पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल, अब ये पर्सनल में कैसा होगा, मैंने नाम नहीं दिया किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं दिया, तो सर अगर नाम दे दूं मिस्टर ए तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल। अगर मैं बोल दूं जेड लिमिटेड तो क्या हो जाएगा, आरटी। तो डेटर
can be natural, can be artificial. That is the widest answer. ये आपका widest answer हो गया. But होगा personal. Debtor is always personal. क्या ये point clear है? समझ आता है बच्चे? Everyone, ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको wider answer देना. क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे ना किसी के. Clear है? अपने आप बताओ. Creditor. Creditor भी किसी person को represent करता है. Simple. तो ये भी क्या होगा? Personal in nature. It can be natural. It can be arty. That is the complete answer. ये आपका पूरा wider answer हो गया. Right? Is this point clear to everyone? Next. कैपिटल बिजनेस के लिए कैपिटल भी क्या है कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट है कैपिटल क्या है पर्सनल अकाउंट क्यों ऐसा क्यों मुझे पता है ना कहीं कहीं अटकोगे मुझे पता है अच्छा बिजनेस के लिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है सर ये पैसा किसी ना किसी ने तो लगाया होगा किसी ने तो लगाया होगा किसी इंसान ने लगाया होगा या कंपनी भी लगा सकती है कोई भी लगा सकता है इसीलिए सर कैपिटल अकाउंट भी क्या होता है पर्सनल अकाउंट होता है इट कैन बी नेचुरल इट कैन बी आर्टिफिशियल क्या ये पॉइंट समझ आता है एक एग्जांपल देते हैं मैं कंपनी के एंगल से एग्जांपल आप सब कंपनी लॉ के दिग्गज बैठे हुए हैं कंपनी में आपको बताया कंपनी के शेयर्स आप भी खरीद सकते हो मैं भी खरीद सकता हूं अगर इफ वी आर इन्वेस्टिंग इसका मतलब हम नेचुरल पर्सनल हैं या आर्टिफिशियल पर्सनल है नेचुरल यस और नो और कंपनी के एंगल से कंपनी लॉ जहां एप्लीकेबल हो रहा है कंपनी के एंगल से कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकती है यस कर कंपनी कैन बी अ शेयर होल्डर यस और नो इफ कंपनी कैन बी अ शेयर होल्डर इट मींस दैट वो जो कंपनी जो शेयर होल्डर बनी है वो क्या हो गई आर्टिफिशियल पर्सन क्या ये पॉइंट समझ आता है एवरीवन ये चीज आपको समझना जरूरी है सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है राइट तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल किसी को इस पॉइंट में कोई डाउट पूछना हो यू कैन आस्क क्लियर है पॉइंट चलें आगे नेक्स्ट फर्नीचर फर्नीचर प्रॉपर्टी है बिजनेस की क्या होगा रियल अकाउंट रियल में कौन सा होने वाला है टेंजिबल ऑलवेज टेंजिबल ऑलवेज टेंजिबल ठीक है ना बिल्डिंग भी रियल अकाउंट ऑलवेज टेंजिबल देन उसके बाद कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में झगड़ा है कैश बैलेंस प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ठीक है सर तो ये हमारा क्या होगा रियल अकाउंट रियल में क्या होगा ऑलवेज टेंजिबल कैश कभी इंटेंजिबल थोड़ा ना होगा बैंक बैलेंस को अगर हम एक और नाम से जानते हैं कैश एट बैंक कैश इन हैंड ये हो गया कैश इन हैंड कैश इन हैंड मैंने जान के नहीं लिखा था उसको पहले और ये हो गया कैश एट बैंक या इसको बैंक बैलेंस भी बोलते हैं कैश एट बैंक तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये बैंक बैलेंस है ये सर बताएंगे या कैश एट बैंक है ट्रेडिशनल बेसिस पे पर्सनल है रियल है नॉमिनल है रियल है आप बताओ बच्चे क्या लिखा रियल बगल वाला बताएगा रियल या पर्सनल या नॉमिनल पर्सनल पाजी आर्टिफिशियल पर्सनल द करेक्ट आंसर इज कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस जो होता है वो पर्सनल इन नेचर होता है पर्सनल में क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल उसका लॉजिक सुनो अब नॉर्मली इसको सब रियल बोल देते हैं नॉर्मली इसको सब रियल बोल देते हैं ये रियल नहीं है रियल में कौन से आएंगे सारे इम्पर्सनल होने चाहिए सारे क्या होने चाहिए इम्पर्सनल इम्पर्सनल का मतलब जो पर्सन नहीं है ये बताओ बैंक पर्सन है या नहीं है अगर मैं बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूं लेट्स से मैंने एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट खोला तो मैं अपनी बुक्स में किसका नाम लिखूंगा बैंक का नाम लिखूंगा ना क्या लिखूंगा एक्सिस बैंक अकाउंट और एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनी फॉर्म में है ना एक्सिस बैंक जो जितने भी बैंक है पर्सन है ठीक है सो क्योंकि ये पर्सन है तो इसीलिए वहां पे हमारा बैलेंस क्या हो गया पर्सनल तो क्योंकि वहां पे हम नाम अकाउंट किसका नाम लिखेंगे एक्सिस बैंक का नाम लिखेंगे एसबीआई का नाम लिखेंगे आईसीआईसीआई का नाम लिखेंगे तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या हो गया पर्सनल अकाउंट इसीलिए मैंने बोला था सारे असेट्स बात करेंगे रियल हो ऐसा जरूरी नहीं बात करेंगे अभी इसके बारे में भी क्या ये पॉइंट समझ आता है तो एक दो जगह मुझे पता था कहां अटकोगे बाकी अब आपका ठीक होगा सेल इज एन
इनकम, इनकम है तो ये नॉमिनल हो गया, नॉमिनल में क्या होगी ये इनकम, ठीक है. परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है. सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव. कितने स्टूडेंट्स के सारे आंसर करेक्ट है, चारों. ये एडवांटेज है फाउंडेशन पढ़ने का, सही से पढ़ने का, ठीक है. मैं आपको बोलता होता था ना कि जब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस, और ये अब आपके लिए भी एडवांटेज है. अब आगे, अब तो आप सारे सेम ही हो गए ना, आगे आप कभी भी काम करोगे तो सही करोगे, जैसे इन्होंने आगे काम किया. ये चीज उनको तब बताई थी, तब इनको भी नहीं आता था, ठीक है. तो सीखना है, देयर इज नो स्टेज सीखने की, हर जगह पे हम सीख सकते हैं, बस सीखने आना है. ये नहीं कि हमें तो सब कुछ पता है. अभी तो देख लो, मैं 11th की बातें बता रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा. मैं तो, मैंने कंपनी अकाउंट शुरू ही नहीं किया, ये चीजें ही नहीं पता बच्चों को, सॉरी. और आपने दोस्तों में भी डिस्कस किया, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आजकल इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं करता. अरे जब तक यही नहीं आता हमें काम क्या आता है. बट प्रॉब्लम ही यही है, ना कोई सिखाना चाहता है ना कोई सीखना चाहता है. छोटे में, शॉर्ट में खत्म करो ना सर, कोर्स खत्म करा दो फटाफट, 2 महीने में कराओ, करो. आगे काम नहीं मिलेंगे बेटा, मैं आपको बता दूं, काम उसी को मिलेगा सर जिसको ये सब चीजें पता है. समझ लेना, जो समझ जाएगा वो आगे काम कर जाएगा. अच्छा सर, चलो जी कोई बात नहीं, हमारा तो काम है सिखाना, ठीक है. चले ठीक है, ये समझ आता है बच्चे. अब देखो इनको हम इकट्ठा करते हैं, इनको आप बड़े ध्यान से एनालाइज करो तो कुछ जगह पे आप देखेंगे. हमने अब एनालिसिस करनी है. एनालिसिस क्या करनी है, जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी रियल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आप एनालिसिस करो, जहां जहां भी आपको लाइबिलिटी नजर आ रहा होगा वो सारी जगह पे आपको पर्सनल अकाउंट नजर आ रहा होगा. आ रहा है, देखो कहां कहां लाइबिलिटी नजर आ रहा है, क्रेडिटर, कैपिटल, ठीक है सर. ये लाइबिलिटी है और इनका नेचर क्या आ रहा है, पर्सनल अकाउंट. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल इन नेचर. जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं ऑलवेज उनका नेचर क्या होगा, पर्सनल, बी इट नेचुरल, बी इट आर्टिफिशियल, बी इट रिप्रेजेंटेटिव. आप देखो रिप्रेजेंटेटिव का भी मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, यहां पे आप देखें लास्ट जो भी आपने सबने करेक्ट आंसर दिया था, ये देखो ये लाइबिलिटी थी पर्सनल अकाउंट. पॉइंट समझ आता है. तो इससे अपनी लैंग्वेज में जहां मर्जी नोट करना चाहो कर लो. ये क्रक्स निकल के आया इतनी सारी वार्तालाप का, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं ऑलवेज दे आर पर्सनल इन नेचर. कराना चाहता तो सीधा यही पेज करा सकता था, लेकिन सर कैसे पता चलता कि सारी लाइबिलिटीज पर्सनल होती हैं. तो ये हमने एक्सरसाइज की कंसेप्ट किया, उससे हमें समझ आ गया. अब आपको आगे याद रहना चाहिए, आगे मैं आपसे कभी भी जब शेयर कैपिटल वगैरह की बात करूंगा तो हमेशा जितनी भी लाइबिलिटीज है उनका नेचर क्या होगा, पर्सनल इन नेचर, राइट. दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें असेट्स की, असेट्स की अगर हम बात करें, जरा एक बार फिर एनालिसिस करते हैं, क्या मैं असेट्स के लिए ये बोल सकता हूं कि सारे असेट्स रियल इन नेचर होंगे. देख लो आप, अगर आप देखें, आप देखें डेटर, डेटर एक असेट है लेकिन उसका नेचर क्या है, पर्सनल, राइट. और देखो फर्नीचर एक असेट है, उसका नेचर क्या है, रियल. बिल्डिंग एक असेट है, उसका नेचर क्या है, रियल, ठीक है सर. कैश एक असेट है, उसका नेचर क्या है, रियल. बट बैंक बैलेंस जो है असेट है लेकिन उसका नेचर क्या है, पर्सनल. एक और एसेट में लिखवाता हूं ताकि आपको नॉलेज हो जाए, प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो ये हमारा एसेट बनेगा, एसेट बनेगा, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, पर्सनल इन नेचर. पर्सनल में क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव. पॉइंट समझ आता है. तो सर अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकाले, कंक्लूजन क्या निकाले, व्हाट विल बी द कंक्लूजन. एज अ जनरल रूल ऑल असेट्स आर रियल इन नेचर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट, थ्री थिंग्स, नो थ्री थिंग्स ऐसे बोलो, एक्सेप्ट व्हाट, थ्री थिंग्स. वन इज डेटर, ठीक है ना. डेटर क्या है, असेट है लेकिन वो रियल नहीं है. उसके अलावा कैश एट बैंक, एंड तीसरा कौन सा बेटा, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस. इवन दो ये असेट हैं
लेकिन ये रियल नहीं है। तो ये रियल नहीं है लेकिन कुछ तो होंगे। हाँ सर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पर्सनल है। ये तीनों पर्सनल है। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। देखते हैं, अब देखो, इवन दो हमारा ऑब्जेक्टिव आना नहीं है लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछ रहा हूं। पर्सनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स ओनली लाइबिलिटीज, ट्रू और फॉल्स? पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओनली लाइबिलिटीज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स बोथ लाइबिलिटीज एंड असेट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल लाइबिलिटीज, ट्रू और फॉल्स? सोच के आंसर देना। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल लाइबिलिटीज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ये तो है ही है ट्रू। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल असेट्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। ऑल असेट्स को थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ कितने असेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तीन। ओनली और ऑल में डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, रियल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स, ट्रू और फॉल्स? यस और नो? ट्रू। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स असेट्स। रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स। दूसरा, अब देखो क्वेश्चन, रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओनली असेट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ओनली असेट्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट ऑल असेट्स? नाउ इट इज फॉल्स। लैंग्वेज का खेल है। अब देखो, इस पे अगर कंपनी अकाउंट में क्वेश्चन बनाने लगे ना तो क्वेश्चन बन सकता है। कमेंट 5 नंबर का, ऑल असेट्स रिप्रेजेंट्स द रियल अकाउंट। कमेंट, सारे असेट्स रियल अकाउंट है, कमेंट करो। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। लेकिन कमेंट करने में हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। पहले रियल अकाउंट बताना पड़ेगा, फिर उसका एक्सेप्शन बताना पड़ेगा कि इवन दो ये असेट्स हैं लेकिन ये रियल अकाउंट में कवर नहीं होते। वो कहां कवर होते हैं? पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट हमारा पॉइंट रह गया नॉमिनल अकाउंट का। बच्चे, व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट? सिंपल सी बात है, ये चार चीजों को कवर करते हैं, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन को। इन चारों को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। दीज फोर आर द नॉमिनल अकाउंट। Any doubt up to this point, you can ask. This is called the ledger. ये ledger है बेटा, हमने आज ledger को complete कर दिया है। हमने आज ledger में क्या क्या बातें की? सबसे पहले हमने account का meaning discuss किया। First of all, we have discussed the meaning of the term account. Account क्या होता है? एक बार recap कर देते हैं पूरी class को। What is an account? Account क्या? It is a T-shaped structure having two sides, left-hand side and right-hand side. Left-hand side is known as debit side, right-hand side is known as credit side. जब हमें posting करनी है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? Left-hand side एक account and right-hand side दूसरे account को affect कर रहे हैं, इसे हम ledger posting बोलते हैं। Is this point clear to everyone? Next point हमने बात की कि कितने types के account होते हैं। तो सर, हमने अब नहीं बोला एकदम 3 types के होते हैं। सर, 2 different bases हैं, एक है traditional basis, एक है accounting equation basis. ट्रेडिशनल बेसिस पे 2 तरीके हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल कौन से हैं? जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल कौन से हैं? जो पर्सनल नहीं है, जो पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करते। एंड जो ये इम्पर्सनल है, ये फर्दर 2 पार्ट में है, रियल एंड नॉमिनल। रियल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्रॉपर्टीज को। नॉमिनल किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन को। अगर यही चीज हम अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस पे बोलें तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस पे हमने बोला असेट अकाउंट बन सकता है, लाइबिलिटी अकाउंट बन सकता है, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वट एवर द केस में भी। ठीक है सर, तो ये दूसरा तरीका होता है अकाउंट बनाने का। फिर हमने इसको मर्ज किया और हमने सर मर्ज करके ये सिचुएशन निकाली है कि सर ऑल लाइबिलिटीज आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। यस और नो? यस सर। सम असेट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द किसके? पर्सनल अकाउंट। सम का मतलब ये 3। इस दिस पॉइंट, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, रियल अकाउंट की बात करें
ऑल असेट्स एक्सेप्ट दीस, जितने भी असेट्स हैं किन को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के वो रियल में कवर होंगे. एंड नॉमिनल सिंपल है, जितने भी एक्सपेंस लॉस इनकम या गेन अकाउंट हैं वो सारे नॉमिनल में कवर होते हैं. एंड लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं सर वो कहाँ पे जाके स्वाहा हो जाते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में. एंड जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट है वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में. आप खुद देखो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, लाइबिलिटी एंड असेट. आप देखो जितने भी रियल अकाउंट है वो असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी पर्सनल अकाउंट है वो असेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लाइबिलिटीज को भी करते हैं, और सारे कहाँ नजर आते हैं, बैलेंस शीट. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो जो नोट अभी शायद आपने पता नहीं लिखा है, नहीं नोट लिख लो, लिख लो एक बार, सब लोग लिख लो, वो पॉइंट याद रहेगा. ठीक है, All the nominal accounts are transferred to trading P&L account. All the nominal accounts are transferred to trading P&L account. And all the real and personal accounts are, all the real and personal accounts are transferred to balance sheet. Transferred to balance sheet at the end of the year. At the end of the year. Is this point clear to everyone? तो ये हमारा जो ledger का concept था, it comes to an end. Next class में, आज अभी हम इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास पूरा एक लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, जर्नल के ऊपर. तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब जर्नल समझ लेंगे तो लेजर और जर्नल को हम कंबाइन कर देंगे. जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें जर्नल एंट्री सीखनी है, और पहले मुझे ये क्यों कराना था, जब तक आपको अकाउंट नहीं पता होगा ना आप जर्नल एंट्री कर ही नहीं सकते. तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरे जर्नल को, और ये चीज आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नॉर्मली जर्नल में क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हो. तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दूंगा, जो पुराने बच्चों को तो पता है, जो पढ़ूंगा मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्लास जर्नल. इट विल टेक 1.5 hours क्लास पूरी, एक एक गो में करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो ये रिवाइज करके आना, क्योंकि इसका यूज होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.